हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में बताया था जितना बनाना उतना मैंने बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये बेबी फ्रॉक का फर्स्ट पार्ट बनाना बताया था। यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया था। ये देखिए बीच का पोर्शन है हमारा ये। फिर यहाँ से जो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे चार पट्टी बनेगी, उसके बाद ये छह कली बनेंगी। उसके बाद हमने क्या करना था, सिंपल से ना यहाँ पे घटाना था ना बढ़ाना था। जितनी रो यानी स्टार्टिंग में जितना हमने यहाँ पे, ये देखिए जितनी रो हमने नीटिंग की है, ये आपने काउंट करके फिर आपने सेम वहाँ यहाँ पर भी सेम एज वही करना था। और 12 फंदे हमने यहाँ पर देखिए इनक्रीज़ किए थे और इस साइड हमने 12 फंदे डिस्क्रीज कर लिए, यानी हमने यहाँ पे 12 फंदे बढ़ाए हुए थे और इस साइड हमने 12 फंदे घटा के, और यहाँ पे जितने स्टार्टिंग में फंदे थे 18 फंदे, 18 फंदे हमने यहाँ पे भी करके फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए बाइंड ऑफ कर दिए, सारे फंदे को बंद कर दिए हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड ये बनने के बाद बैक फ्रंट साइड का हमारा ये पूरा बन चुका है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये इसका, देखिए ये बनने पे सेम बहुत ही प्यारा लुक आता है ये बन के फ्रेंड। देखिए ये बन के ऐसे फ्रॉक टाइप का आएगा पूरा, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे तो हमने ये बराबर में है, और यहाँ पे देखिए जो मैंने बटन होल बनाया हुआ था यहाँ पे हमारी बटन लगेंगी तीन, और बाकी ये सब तो हमने क्रोशिया से करना है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी फ्रेंड। पहले हम देख लेते हैं कि हमने ये बैक साइड में फंदे कितने उठाने हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है फंदा। फंदा हमने देखे फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करना, जो ये हमारी कली बनी हुई है ये तो हमारे फ्रंट साइड रहेगी सारी, जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाया है। और फंदा हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, और कितने फंदे लेने हैं ये भी, ये देखिए फ्रेंड हम यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक एंड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फंदा हमने टोटल 55 ले लेने हैं। अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप एक दो फंदे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने इस फ्रॉक के मेज़रमेंट के हिसाब से बताऊँगी कि मैं यहाँ पर 55 फंदे मैंने रखने हैं। और वो फंदे कैसे उठाने हैं ये मैं दिखा रही हूँ। देखिए रेड कलर से ही हमने फंदे को उठाना है, वाइट कलर से सिर्फ हमने ये स्ट्रिप बनाई हुई है और बाकी का सारा फ्रॉक हमारा रेड कलर से ही बना है और बेस कलर हमारा ये वाइट है। देखिए हम यहाँ पे एक नॉट लगाते हैं उनको उनका, देखिए आपने यूँ सलाई से देखिए करके फिर आपने यहाँ पे एक नॉट लगा देना है, यानी हमें ये ऊन को यहाँ पे टक कर देना ताकि ये खुले ना। और ऊन हमेशा आप जब भी करें फ्रेंड तो बड़ा ही लें। इसको देखिए मैं बाद में क्रोशिया से इंसर्ट कर दूंगी अंदर की साइड, छोटा हमें कभी भी बांधना नहीं चाहिए ऊन को, नहीं तो ये खुलने का डर होता है। अब देखिए हमने ये ऊन को ऐसे फिंगर में लपेट लेना है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ से हमारा फंदा नहीं उठेगा, फंदा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, जो ये हमारी सिंपल स्ट्रिप बनी हुई है, सिंपल पट्टी बंधी हुई है बनी हुई, यहाँ से हमारा फंदा स्टार्ट होगा, ये हमारा आगे का पार्ट है। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, सॉरी मुझे इस फिंगर में लेना होगा, ऐसे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए एक ऐसे हमने फंदे लेना स्टार्ट करना है, दो तीन चार ये देखिए पांच फंदे ऐसे हमने यहाँ से ले जाते हुए इस स्ट्रिप तक हमने टोटल
55 फंदे यानी 55 फंदे हमने इस स्ट्रिप तक लेना है। और ये जो हमारी पट्टी है यहाँ तक, यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं लेना है। लास्ट में हमने देखिए फ्रेंड, ये स्ट्रिप तक जहाँ से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की यहाँ तक हमने टोटल 55 फंदे ले लेने हैं। और आपको एक बार और दिखा देती हूँ हमने फंदे कैसे लेने हैं। ये देखिए, आपने ऐसे ही एक एक फंदे लेते हुए जाने हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट आप जब भी बनाओगे, इसकी एक खासियत और है, ये स्टार्ट यहीं से होती है और एंड यहाँ पे होती है, और बस बैक साइड का हमने ये फंदे उठा के बनाना होता है, बाकी एक ही पार्ट में ये सब सारा बन जाता है। ऐसे ही देखिए हमने फंदे को उठाते हुए 55 हम फंदे ले लेते हैं वहाँ तक फ्रेंड। ये देखिए ऐसे ही हमने यहाँ तक उठाना है, और ये स्ट्रिप तक जो सिंपल स्ट्रिप है यहाँ तक उठाना है हमने। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये फंदे को उठा के कंप्लीट कर लिया। टोटल मैंने यहाँ पे 55 फंदे रखे हैं। एक दो फंदे का कोई भी इशू नहीं होता है फ्रेंड। अगर आपको लग रहा है कि कम है हमारे एक दो फंदे, तो आप एक दो एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर लगता है आपको ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल 55 फंदे ले लिए। अब हमने क्या करना है फ्रेंड, ये हमारी सारी निटिंग जो भी है ये गार्टर स्टिच होगी, क्योंकि इसमें जितनी भी निटिंग हुई है कहीं पे ना हमने सीधा निटिंग किया है और ना ही कोई हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया, सारी हमारी यहाँ पे गार्टर स्टिच ही हुई है। ये इजीली बिगनर्स भी बना सकती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ना इसमें कोई डिज़ाइन डालना है और ना ही आपने सीधा निटिंग करना है, ये गार्टर स्टिच निटिंग करनी है। उल्टा उल्टा आप चाहें तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा निट करते हैं कर सकते हैं, या तो आप दोनों साइड से ही सीधा सीधा निट कर सकते हैं। तो इसको मैं दोनों साइड से सीधा सीधा ही करूँगी, और दोनों साइड से सीधा सीधा निट करने पे फ्रेंड ये हमारे गार्टर स्टिच यानी उल्टा उल्टा बन जाएगा, अगर हम दोनों साइड से सीधा सीधा निट करते हैं तो। ये देखिए, सॉरी फ्रेंड, मेरे हाथ में चोट लगा है तो मैं बहुत स्लो निटिंग कर रही हूँ। और देखिए ऐसे ही आपने पूरी रो क्या, मैं आपको बता देती हूँ वन रो कंप्लीट करके फिर आपने क्या करना है, कैसे कितना आपने निटिंग करनी है। आप फ्रेंड इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी, मुझे मतलब खुद के लिए बनाऊँगी, अगर वो अच्छे से बन जाएगा तो मैं ज़रूर उसका मेज़रमेंट और आपको बना के दिखाऊँगी, क्योंकि ये बहुत प्यारा लगेगा बन के। आगे से ये ओपन रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं इसके बाद खुद के लिए ट्राई करूँगी बनाने के लिए। और आप फ्रेंड इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो कलर में बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो जितनी कली है हमारी, छः कली बनी है, तो आप छः कली एक साइड की छः रंगों का कर सकते हैं और एक साइड का मल्टी कलर में, बहुत ही प्यारा लगेगा ये बन के। और बीच की जो हमारे स्ट्रेट पट्टियाँ बनी हैं उनको भी आप कलरफुल बना सकते हैं, जैसे थोड़े थोड़े ऊन बच जाते हैं फ्रेंड, तो आप अच्छे से और बहुत प्यारा लगेगा बनके जब मल्टी कलर में स्वेटर बनेगा हमारा। तो इसको तो मैंने दो कलर में बनाया है फ्रेंड, आप चाहें दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मल्टी कलर में भी बहुत अच्छा बनेगा ये। ये देखिए हमने ये सारी निट करके कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको बता दे रही हूँ कि आपने कितनी इसकी निटिंग करनी है। ये देखिए हमारे पीछे का साइड ये बन रहा है, ये हमने कितना निट करना है देखिए फ्रेंड, ये हमारे तो ऐसे आगे के टर्न हो जाएंगे ऐसे, अब आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए ये तो हमारे आगे की साइड, और आपने निटिंग यहाँ तक टोटल करनी है यहाँ से लेके फ्रेंड, और हमने निटिंग यहाँ तक इसकी लेंथ तक यहाँ तक करनी है, और जब हमारी 3-4 सिलाई बाकी रह जाए तो हमने बीच के फंदे, वो मैं आपको थर्ड पार्ट में दिखाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। और आपने सीधी सिंपल निटिंग कर लेनी है यहाँ तक, जब हमारे यहाँ पे 3-3 सिलाई बाकी रह जाए
तो यहाँ पे मेरे 18 फंदे रखे थे और इस साइड भी 18, तो 20-20 से हमने 18 फंदे रख के और बीच के जितने भी फंदे सबको बाइंड ऑफ यानी घटा लेने हैं, बंद कर लेने सारे फंदे, और उसके बाद 3-3 सिलाई हमने बुनकर फिर इसको ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद ये यहाँ का बाजू बनेगा दोनों में। अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बाजू इसमें मतलब आस्तीन बनाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी, वो मैं थर्ड पार्ट में दिखाऊंगी आप लोग को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और जो ना समझ में आए फ्रेंड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।